नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पूंजी स्टॉक की सीमा जो स्टॉक लेके आया उसका नाम है डेविस लैब। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों और काफ़ी अच्छी जगह पर आ रखा है। निफ्टी 50 के स्टॉक है और मैंने जैसा कि आप लोगों को अपनी अधिकतर वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ कि निफ्टी 50 के स्टॉक जब भी आपको 200 EMA के पास मिलते हैं तो आप लोग उन्हें ज़रूर कंसिडर करा करो। तो दोस्तों, जो ये तीन ब्लैक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, 200 EMA का एक बैंड बना रखा है मैंने, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक एकदम 200 EMA के इस बैंड के ऊपर आ रखा है। अगर यहाँ पर एक कोई बुलिश कैंडल बन जाए, जैसे कि हैमर टाइप की कोई कैंडल बन जाए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर बन जाएगा, आप लोग इसे अभी से ही कंसिडर कर सकते हो। अगर हम इसके डेली, ये तो डेली चार्ट है दोस्तों, अगर मैं वीकली चार्ट में ले जाके आपको दिखाऊँ तो ये अपने 50 EMA के बैंड के ऊपर आ रखा है। 50 EMA का बैंड यानी कि दोस्तों, ये जो आपको ग्रीन, रेड और पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये हमारा 50 EMA का जोन मैंने बना रखा है। तो वीकली में 50 EMA जोन पर आ रखा है, डेली में 200 EMA के पास आ रखा है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसे कंसिडर करना चाहिए और उम्मीद रहेगी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर मैं एक बार इसका मंथली चार्ट भी दिखाऊँ आपको दोस्तों, तो मंथली चार्ट में आपको नज़र आएगा कि स्टॉक काफ़ी बुलिश है और ये 2018 से ही अपने 20 EMA के पास नहीं आ रखा है। दोस्तों, ये ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका 20 EMA है मंथली के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 2018 से जब से चार्ट निकला है 20 EMA के पास बहुत कम आता है और जब भी आता है वहाँ से बाउंस बैक मार देता है। तो अभी ये 20 EMA से काफ़ी ऊपर है, लेकिन वही हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर 20 EMA को ब्रेक करके नीचे दो चार दिन रहता है तो हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि आपको करना क्या है, डेली चार्ट में चलता हूँ, फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका लेवल। तो आपको स्टॉक को एक तो करंट रेट पर कंसिडर करना है, यानी कि आपको स्टॉक को 4506 पर आप लोग यहाँ पर अपनी 30% कैपिटल लगा सकते हो। बाकी 35% कैपिटल दोस्तों आप लोग लगाओगे 4282 के आसपास, और बाकी बचा हुआ 35% आप लोग लगाओगे दोस्तों 3920 पर। हालांकि 3920 दोस्तों बहुत मुश्किल लेवल है इसका, स्टॉक वैसे तो शायद यहीं से चला जाए वापस, अदरवाइज 4282 को एक बार शायद टेस्ट करने के लिए आ जाए, लेकिन 3920 देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आता है दोस्तों तो वहाँ पर घबराना मत, बिंदास होकर अपनी कैपिटल लगाना, क्योंकि अगर 3920 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी करीब होगा, उसके नीचे दो तीन दिन रहता है तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज बहुत तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो जो भी आपको लॉस नज़र आ रहा होगा 4500 से 3920 का, वो कुछ ही दिनों में दोस्तों रिकवर कर देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि 200 EMA में कितना अच्छा काम करते हैं। अब दोस्तों, एक बार इसका फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेते हो आप लोगों के साथ। दोस्तों, हम टिकट ऐप पे जाके फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखना हो तो मैं टिकट ऐप पे जाके देखता हूँ। अगर मैं फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइनेंशियल जो भी रेवेन्यू है दोस्तों हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखें तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें से 2 नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और 1 पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन इतना आप लोग कंसिडर कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी। और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से ग्रीन नज़र आ रहे होंगे, मतलब काफ़ी डिफरेंस के साथ ये पॉइंट ग्रीन नज़र आ रहे हैं। और जो कंसिडर करने का मेन कारण है दोस्तों,
वो मेरा ये है कि इसके अंदर रिटेलर एग्जिट कर रहे हैं, स्टॉक 200 EMA के पास आ रखा है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो ऐसे में दोस्तों स्टॉक को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। कभी कभार दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें सारे पॉइंट गिरने मिलेंगे, तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर रिटेलर की होल्डिंग देखोगे तो अब तक की जो भी आप लोग यहाँ पे जितने भी क्वार्टर देख रहे हो, यानी कि जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021 एंड सितंबर 2021, तो अब तक की सबसे कम होल्डिंग आपको इस क्वार्टर में नज़र आ रही होगी 11%। रिटेलर एग्जिट कर रहे हैं, स्टॉक 200 EMA के पास आ रखा है, फंडामेंटल भी दोस्तों ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस स्टॉक को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।